friends, good morning. So firstly, welcome back to my channel Mamta's Love Classes. So guys, कैसे हैं आप सभी लोग? Okay. तो जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हुए हैं वो लोगों को पता है आज मैं लेक्चर अपना कंटिन्यू कर रही हूँ, लेक्चर 4, और उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी सेक्शन 8 एंड 9. और जैसा कि कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया था कि उन लोगों ने मुझे बोला कि मैम प्लीज़ चैप्टर फर्स्ट को रिवाइज कराइए, चैप्टर फर्स्ट को पढ़ा दीजिए और पूरा डीपली पढ़ा दीजिए. तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ गो बैक एंड प्रीवियस लेक्चर्स में जाके आप लोग देखिए. और उसमें मैंने अपने चैप्टर फर्स्ट को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, उसके बाद मैंने सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4 को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, 5, 6, 7 को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है. अब बात करते हैं सेक्शन 8 एंड 9 की. सो गाइस लेट्स गो द क्लास. सो गाइस आपको पता ही, जैसे कि हमारा चल रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 चैप्टर नंबर 2 एंड इट्स रिलेटेड टू ऑफ रेलेवेंसी सेक्शन 5 to 55. आई ऑलरेडी डिफाइन यू. नाउ टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9. सेक्शन 8 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 8 कहता है मोटिव प्रिपरेशन एंड कंडक्ट आर रिलेवेंट. मोटिव प्रिपरेशन एंड कंडक्ट आर रिलेवेंट. व्हिच थिंग्स आर रिलेवेंट? फर्स्ट मोटिव, सेकेंड प्रिपरेशन, थर्ड कंडक्ट. अच्छा गाइस, जैसा मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारा प्रीमेक क्वेश्चन बनता है उसमें हमारा क्वेश्चन बनता है कि मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट कहाँ डिफाइन है. इसके लिए हमें बताना होता है सेक्शन कि किस सेक्शन में डिफाइन है. तो हम सेक्शन बताएंगे सेक्शन नंबर 8. क्या क्या डिफाइन है? मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट. ठीक है, अब बात करते हैं मोटिव की. मोटिव क्या होता है? ठीक है, ये अगर आप कुछ कीवर्ड्स अपने साथ लेके चलेंगे तो आपको कभी भी कोई सेक्शन लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, तो कीवर्ड्स हमारे 3 कीवर्ड्स हमें कहाँ से मिले? हमारे सेक्शन की हेडिंग से. मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट. बात कर लेते हैं मोटिव की. मोटिव क्या होता है? मोटिव कोई ऑफेंस नहीं है. ठीक है, क्या क्या होता है? मोटिव कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन ड्राइवेशन है एक स्टेट ऑफ थिंग्स के लिए कि हाँ मुझे ये ऑफेंस करना है. मतलब कोई अगर कोई किसी चीज का ऑपरेशन मतलब ऑफेंस के लिए आता है, जिसके माइंड में कोई ऑफेंस करने का कुछ आता है तो वो क्या करता है? ठीक है, तो पहले उसका कुछ चीज का मोटिव होगा, तभी तो वो उस ऑफेंस को क्रिएट करेगा. ठीक है, तो मोटिव, मोटिव क्या होता है? मोटिव के लिए बेस्ट एक केस है, इसमें है केहर सिंह. ठीक है, क्या केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें क्या था? इन दिस इट इज क्लियर दैट मोटिव इज नॉट एन ऑफेंस बट इट इज ए वाइब्रेटिंग एनिमिटी, वाइब्रेटिंग स्टेट ऑफ माइंड, फॉल ऑफ एनिमिटी एंड रिवेंज. ये कोई ऑफेंस नहीं है. केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में कहा गया कि उसका जो मेन पॉइंट था वो ये था कि मोटिव कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन ये स्टेट ऑफ थिंग्स मतलब कि एक तरीके से एक ड्राइवेशन होता है माइंड में कि हमें इस चीज के लिए ऑफेंस करना है और इसके किसी से रिवेंज लेने के लिए, किसी से अपनी एनिमिटी क्रिएट करने के लिए. ठीक है, इसका सेकेंड हमारा केस है अवधेश वर्सेस स्टेट ऑफ, अवधेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ठीक है, अवधेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस था जिसमें वो उसका मर्डर कर देता है. तो इसमें बताया गया था कि उसका मोटिव क्या था? उसका मोटिव था कि वो उससे कुछ पैसा लिए, वो उस पैसे को उसको वापस लेना था, तो पैसा वापस कैसे लिया जाए? तो वो पैसा लेना ही उसका एक मोटिव था जिसके थ्रू उसने ये ऑफेंस क्रिएट किया. ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है हमारा प्रिपरेशन. ठीक है, बात करते हैं प्रिपरेशन की. सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन. वेरी वेल नो कि कोई भी ऑफेंस अगर होता है तो उस ऑफेंस के लिए सबसे पहले क्या होगी?
पहले किसी के माइंड में एक मोटिव आएगा, मोटिव के बाद वो क्या करेगा, उस चीज को करने की तैयारी करेगा। तो तैयारी भी कोई अपराध नहीं होती है, ठीक है। तो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन इज ऑल्सो बिफोर ऑफेंस एंड प्रिपरेशन इज रिलेवेंट। वो प्रिपरेशन क्या होगी, रिलेवेंट होगी। प्रिपरेशन इज ऑल्सो बिफोर ऑफेंस एंड इट्स रिलेटेड टू बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर किया था, हाँ वो क्लेम कर सकता है, बट नहीं।
हम यहाँ बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट की, हम यहाँ बात कर रहे थे है कि एविडेंस की, नॉट अ टॉर्ट की। टॉर्ट की बात होती है यहाँ पर तो नेग्लिजेंस होता, नेग्लिजेंस के लिए ऑफेंस मतलब पनिशेबल हो सकता था, लेकिन बात करते हैं हम एविडेंस की, बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसका आंसर था कि वो उसको नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे बात उस इलस्ट्रेशन में ये बात कही गई थी कि उसमें उसको रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कंडक्ट की। कंडक्ट क्या होगा? एट द टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, एट द टाइम सेकंड मैंने आपको क्या बताया, आफ्टर द ऑफेंस। ठीक है, आफ्टर द ऑफेंस ये दो पॉइंट होंगे। विदाउट एनी कंडक्ट कोई ऑफेंस हो ही नहीं सकता। जिसके संग ऑफेंस हुआ है वो आके इस तरीके से बताएगा कि आपको खुद लगेगा कि हाँ इसके संग ऑफेंस हुआ है। मैं इजीली जाती हूँ, जाके बोलती हूँ सर मेरे संग ऑफेंस हुआ है और मेरी FIR आप लॉन्च कीजिए, तो क्या वो FIR लॉन्च की जाएगी? FIR नो डाउट लॉन्च कर दी जाएगी, बट जब हमारे उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी, तो वहां पे क्या बताया क्या होगा कि FIR की उस इंसान का, जैसे कि मेरा कंडक्ट था ही नहीं कुछ भी, तो क्या ऑफेंस हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सेक्शन 9 की। इसमें भी आप एग्जांपल्स आ सकते हैं, क्वीन वर्सेस एम्परर अब्दुल्ला केस है। ठीक है, और इसके केस में आपको बता देती हूँ, केस नंबर 1 इसका डालेंगे पालमर का केस, दूसरा आप डालेंगे क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, तो ये कुछ केसेस हैं सेक्शन 8 के। अच्छा, तो आप लोग पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हर सेक्शन के इलस्ट्रेशन जरूर पढ़िएगा। सारे इलस्ट्रेशन मैं आपको वीडियो के थ्रू नहीं पढ़ा पाऊंगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक्सप्लेनेशन 2 बात करते हैं जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है उससे या उसकी उपस्थिति और स्वर्गोचरता में किए गए कोई कथन जो उस आचरण प्रभाव द्वारा रिलेवेंट होगा। तो इसका मैं एक आपको इलस्ट्रेशन बता देती हूँ, इसका इलस्ट्रेशन जो एग्जाम्स में प्री जब एग्जाम होता है इसका, तो उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका एग्जाम्पल नंबर आप देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर जे, द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रिवाइज। प्रश्न ये है कि क्या काके साथ बलात्कार किया गया, तो ये उसमें आंसर, तो इसके कुछ फैक्ट देख लेंगे। द फैक्ट दैट Shortly after the alleged rape, she made a complaint. Obviously बात है, अगर किसी के संग रेप हुआ है तो वो कंप्लेंट करेगी। Relating to the crime, the circumstances under which, तो इसके अंदर circumstances क्या बन रहे हैं, and the terms in which the complaint was made are relevant. क्या वो complaint है relevant होगी? हिंदी में देख लेंगे, ये कहते कि अभी कथित बलात्संग के अल्पकाल पश्चात उसने अपराध के बारे में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे शब्द जिनमें वह परिवाद किया गया रिलेवेंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप इसका देख लेंगे, द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट शी सेड दैट शी हैड बीन रिवाइज इज नॉट रिलेवेंट एज कंडक्ट अंडर दिस सेक्शन, थ्रू इट मे बी रिलेवेंट एज ए डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 और एज कॉरोबरेटिव एविडेंस अंडर सेक्शन 157। ये तथ्य की उसने परिवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया, इस चार के दिन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं होगा। क्या सिर्फ उसने आके बोला कि मेरे साथ रेप हुआ है तो क्या ये रिलेवेंट होगा? नहीं होगा। क्यों? जब तक उसका कंडक्ट ही नहीं है वहां पे। लेकिन यह रिलेवेंट हो सकता है कहां पर? इसके लिए आपको पढ़ना होगा सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन एंड सेक्शन 157, जहां ये रिलेवेंट हो सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मरने से पहले विदाउट एनी कंडक्ट नॉर्मली लेटा हुआ और बोलता है कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो और उसके आफ्टर दिस स्टेटमेंट वो मर जाता है, तो क्या माना जाएगा कि हाँ उसके साथ रेप हुआ है? ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी काफी सारी एग्जाम्पल है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, के नंबर का, द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रॉब्ड, क्या उसके समय लूट की गई, तो वो ये भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ सकते हो नहीं, मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को इलस्ट्रेशन सारे ही पढ़ने चाहिए और इस तरीके से इलस्ट्रेशन पढ़ने चाहिए जो आपको हमेशा रिमाइंड रहे। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन 9 की।
सेक्शन 9 अगर आप बैरक उठा के पढ़ेंगे, अगर आप बात करेंगे बुक्स में से पढ़ने की, तो आपको ये सेक्शन काफी लेंथी लगेगा। ठीक है, मैं इसको आपको, इस सेक्शन को मैं आपको वेरी शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ। सेक्शन बहुत इजी है, लेकिन इसका लोगों को लगता है कि सेक्शन टफ है। सेक्शन इजी है, सेक्शन में सिर्फ 5 चीजों को डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन 9 की हेडिंग में आपको पढ़कर बता देती हूँ। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट। फैक्ट जो नेसेसरी है और जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो रिलेवेंट फैक्ट होंगे या नहीं होंगे। सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण प्रसारण के लिए आवश्यक तथ्य क्या होंगे, ये बात करिए सेक्शन 9 में। और सेक्शन 9 दोस फैक्ट आर रिलेवेंट विच डिफाइन दीज वर्ड्स। ठीक है, ये हेडिंग आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें 5 चीजें मैं आपको बताऊंगी, 5 चीजें इसमें रिलेवेंट होंगी। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी फैक्ट। सेकेंड है हमारा द फैक्ट विच शोज गैसेस, द फैक्ट विच शोज गैस। ठीक है, थर्ड वन इज द फैक्ट विच शोज आइडेंटिफिकेशन। इट्स अंडरलाइन कर लेंगे इस वर्ड को, आइडेंटिफिकेशन। गाइस अंडरलाइन करिए इस वर्ड को, आइडेंटिफिकेशन। एक क्वेश्चन आता है अक्सर एमपी के एग्जाम में, मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, आइडेंटिफिकेशन पर एक डिफाइन किस सेक्शन में है, तो बात आती है सेक्शन 9 की। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए, आइडेंटिफिकेशन परेड जो बात करते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन परेड कहाँ होती है, सेक्शन 9 में। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन और कहाँ आपने पढ़ा है। सेक्शन सीआरपीसी में आपने पढ़ा है, सेक्शन 54A। कहाँ पर? सीआरपीसी सेक्शन 54A। जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे तब इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, बात आती है 4 पॉइंट की, डिफाइन द प्लेस। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमारा बनता है रिलेशन। देखिए, अगर आप चीजों को पॉइंट वाइज करके पढ़ते हैं, अगर आप चीजों को टिप्स पर लर्न करते हैं, तो कुछ आपके जो एग्जाम्स में, खासतौर से प्रीलिम्स एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कभी नहीं छूटेंगे। तो इन चीज़ों को आप हमेशा रिमाइंड रखिए, सेक्शन को तोड़ कर पढ़िए, सेक्शन को पॉइंट्स में डिवाइड करके पढ़िए, तब आपको ये चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। और हाँ, अपने नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होगा, चीज़ें आपको लिखते वक्त बहुत हद तक याद होती है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट हो गए, क्या इंट्रोडक्टरी फैक्ट, फैक्ट विच शोज गिव गैसेस, आइडेंटिफिकेशन, प्लेस, रिलेशन। चलिए टिप पे एक बार कर लेते हैं, इंट्रोडक्टरी फैक्ट, गैस, आइडेंटिफिकेशन, प्लेस एंड रिलेशन। ठीक है, तो इनको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन के लिए मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्टरी फैक्ट विच गिव इंट्रोडक्शन। ठीक है, गैस द फैक्ट विच शोज गैसेस मीन्स द फैक्ट विच शोज वेदर एनी पर्सन was there or not, whether relating to the person or others। उस person से related कोई guess किया जाता है कि हाँ उस व्यक्ति ने कोई offense किया हो सकता है, क्योंकि वो already एक criminal है, तो वो क्या हुआ, एक तरीके से guess करना होगा। ठीक है, next चीज होती है identification parade। identification parade आपने देखा होगा अक्सर पुलिस identification parade करती है, जिसे section 9 में define किया हुआ है, और इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। आइडेंटिफिकेशन किसी व्यक्ति का अगर आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, सीआरपीसी की अगर बात करें वहां पे अगर किसी का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, तो बता दिया जाता है कि हाँ ये ऑफेंडर है, उसके परिवार वालों को उनको बता दिया जाता है कि हाँ इसको हमने अरेस्ट किया हुआ है, और इसकी जो आइडेंटिटी हमें मिली है वो एक ऑफेंडर के रूप में मिली है। बात करते हैं डिफाइन द प्लेस।
प्लेस, किसी भी चीज में, किसी भी ऑफेंस में जहाँ ऑफेंस होता है वहां पे जब हम FIR लॉन्च कराते हैं, जहाँ हम FIR लगाते हैं वहां पे उस जो ऑफेंस का जो प्लेस होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। रिलेशन, रिलेशन की बात होती है, ऑब्वियसली बात है कोई एक व्यक्ति कोई ऑफेंस क्रिएट करता है उसके साथ में दूसरा उसको सहायता करता है, तो उन दोनों का रिलेशन क्या है, बोथ आर ऑफेंडर एंड ऑल्सो ट्रांजेक्शन। जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 6 में मैंने आपको बताया ट्रांजेक्शन की बात बताई, ट्रांजेक्शन बहुत सारी चीजें मिलती है एक ऑफेंस का बनती है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को मारने के लिए गया, जाने से पहले उसने रिवॉल्वर उठाई, रिवॉल्वर उठाने के बाद उसने कारतूस खरीदे, कारतूस खरीदने के बाद उसने रिवॉल्वर को लॉन्च किया, जब उसने रिवॉल्वर को लॉन्च किया और जाके किसी को मारा तो उसने पहले उसके घर में घुसा, ट्रेसपास किया, ट्रेसपास करने के बाद उसने उसको मारा। अब उसने उसको मारा तो उसने क्या उसका मर्डर कर दिया या ओनली अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, तो ये सारी चीजें क्या मिलेंगी, एक जब ऑफेंस जो फाइनल होता है उसकी ट्रांजेक्शन होंगी और वो ट्रांजेक्शन मिलके एक रिलेशन क्रिएट कर देंगी, ठीक है। तो सेक्शन 9 में आपको सिर्फ 3-5 पार्टें याद करनी है, इंट्रोडक्टरी फैक्ट, फैक्ट विच शोज गैसेस, आइडेंटिफिकेशन, डिफाइन द प्लेस इन रिलेशन। चलिए बात कर लेते हैं इसके इलस्ट्रेशन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सर बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की। प्रश्न ये है कि क्या कोई विशिष्ट दस्तावेज काकी बिल है, आभिकथिक बिल की तारीख पर काकी संपत्ति की क्या उसके कुटुंबीय अवस्था सुसंगत तथ्य हो सकती है, तो ये क्या होगा, एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम पढ़ लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर F का, बलबे के लिए विचारित किया जा रहा है उसका भीड़ के आगे आगे चलना साबित हो चुका है, सम व्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली होने के कारण भीड़ की आवाजें सुसंगत है, यानी कि रिलेवेंसी हो जाएगी। यहाँ पे कौन सा फैक्ट पॉइंट आ रहा है इसमें, रिलेशन, क्योंकि वो आगे आगे चल रहा है और वो ऑफेंस करने जा रहा है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा सेक्शन 8 मोटिव प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, आज हमने पढ़ा सेक्शन 9 रिलेवेंसी इन विच फाइव फैक्ट्स, इंट्रोडक्टरी फैक्ट, फैक्ट विच वर शो एसेस, आइडेंटिफिकेशन पर इट, डिफाइन द प्लेस, रिलेशन, ठीक है। तो आज का लेक्चर करती हूँ मैं खत्म, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13, ठीक है। तो ऑफ रिलेवेंसी इसी तरीके से हमारा कंटिन्यू रहेगा कुछ दिनों तक, उसके बाद बीच बीच में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, मैं सोच रही हूँ कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करूँ जो चैप्टर वाइज हो, तो मैं आपको जब मेरा ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 2 मेरा खत्म होता है 5 to 55, तब मैं आपको इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगी। आई होप कि आप मेरे लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे होंगे और कंटिन्यू करने के साथ साथ आप इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से रिवाइज अपना कर रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।